जिस प्रकार से रावण ने सोने की लंका हरने का काम किया था, इसी प्रकार से मोदी ने 15 लाख का सपना दिया। मेरे साथियों, एक सपना और दिखाया जा रहा है, जन जन को समझाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अर्थव्यवस्था कमजोर है, पैसे की कमी है, देश कर्ज में डूब रहा है और ये आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। जब देश कमजोर है, किसान रोड पर है, तो ये देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बनाना है आपको, तो सुन लो, जो दो बच्चे पर कानून बनाने की बात करते हो, तो हमको गारंटी चाहिए इसके बाद कानून लाना। पहले ये गारंटी चाहिए कि जो हमारे दो बच्चे होंगे उनको शासकीय प्राथमिकता तरीके से नौकरियां होने की गारंटी चाहिए। जिस प्रकार से रावण ने सोने की लंका हरने का काम किया था, इसी प्रकार से मोदी ने 15 लाख का सपना दिया और सपनों जैसी ये बात कर रहा है। मेरे साथियों, एक सपना और दिखाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाएंगे, जन जन को समझाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। देसी आर्थिक जो निर्भरता है किसान की, बच्चे बच्चे की, देश के भविष्य की, वो आज कमजोर है। अर्थव्यवस्था कमजोर है, पैसे की कमी है, देश कर्ज में डूब रहा है और ये आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, एक सपना दिखाने की बात करते हैं। मोदी साहब, आप ही बताइए, जब देश कमजोर है, किसान रोड पर है, तो ये देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? ये सपना मत दिखाइए, क्योंकि कोरे भाषण से हम किसानों गरीबों के पेट नहीं भरेंगे। और अच्छे दिन आ जाते तो हजारों किसान आत्महत्या नहीं करते। मोदी साहब, ये देश के किसान की बात समझिए, करोड़ों रुपए जो नौकरियां हैं आपने छीन ली है, देश का युवा दर दर भटक रहा है। मेरा भी सिलसिला है मोदी साहब आपसे और गिला है, क्योंकि मेरे देश का जो युवा बेरोजगार नौजवान है, वो आज रोड पर घूम रहा है। अरे मोदी साहब, जनसंख्या रजिस्टर नियंत्रण की बात करते हैं, अभी ये एक कानून और लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बनाना है आपको, तो सुन लो, ये किसानों के मंच से, सिंगू बॉर्डर से इंटरनेशनल मंच है, हमको जो दो बच्चे पर कानून बनाने की बात करते हो, तो हमको गारंटी चाहिए इसके बाद कानून लाना। पहले ये गारंटी चाहिए कि जो हमारे दो बच्चे होंगे उनको शासकीय प्राथमिकता तरीके से नौकरियां होने की गारंटी चाहिए, तब ये कानून लाना। और जेल भी बड़े कर लो मोदी साहब, क्योंकि जब कानून बनाओगे तो कानून का उल्लंघन होगा, कानून टूटेगा, तो जेल भी बड़े बना लीजिए देश के। मोदी, आपने विदेशों में बहुत घूमा, बहुत गए, आज तक पता नहीं कर पाए कि गरीबी कैसे मिटती है। मोदी, ये गरीबी से जनसंख्या बढ़ती है, इसका आप पता लगा लेना, अगर आपको मालूम हो, विदेशों में बहुत घूमते हो। जिस देश में गरीबी होगी उस देश में जनसंख्या अधिक बढ़ती होगी, ये मोदी आपको पता होना चाहिए। और मेरे साथियों, जो आज हमको समस्या है, जो संकट है, इसका समाधान भी है। मेरे साथियों,
हम सब जानते हैं हमको बहुत दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, लेकिन कोई भी आज तक समस्या का समाधान हल संकट का नहीं निकल पाया। हमको ये मोदी सरकार से एक ही बात, एक ही मांग है जो हम कहते आ रहे हैं लगातार कि बिलों को वापस लो, बिलों को वापस लो, लेकिन ये बिल वापस लेने के बिल्कुल कतई मूड में नहीं है। जब इसने कल कहा कि जो छोटा किसान देश की होगा शान, देश की दुगनी आय होगी, किसान की दुगनी आय होगी, किसान को सुरक्षा कवच मिलेगा, अब जो पहले हमारी फसलों पे बिचौलिए लग जाते थे बीज के बीच 8-10-12 रुपया पैसा रुपया प्रति किलो खा जाते थे, वो अब नहीं खा पाएंगे। पहले आज की आय बताइए मोदी जी, इसके बाद जो आप कहते हो दुगनी आय, अरे किसानों की आज की आय इतनी कमजोर हो गई है, ऊपर से लेकर नीचे तक, सुई से लेकर धागे तक आपने जो चरम सीमा पर महंगाई बढ़ा दी है, किसान जो मैं गमछा लिए हूं, मोदी पहले जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो मुझे 50 रुपए का मिल जाता था, 50 रुपए का मिल जाता था, लेकिन आज ये गमछा 100 रुपए का मिल रहा है, आपने दुगनी महंगाई बढ़ा दी है। कहते हैं हम दुगनी आय करेंगे, इनने कौन सी दुगनी आय की है, इनने दुगुना खर्च कर दिया है हम पूरे भारत के किसानों के ऊपर। बच्चे बच्चे पर ये चौकीदार बनते हैं, चौकीदार देश का, अरे ले गया उड़ा करके मिहुल चौकसी, नीरव मोदी भारत के नागरिकों को पैसा, अरे कौन सी है, क्या चौकीदारी करते हो और चौकीदारी की बात करते हो। अरे मोदी साहब चाय वाले भी अब आपसे खुश नहीं है, चाय वाले भी अब आपसे खुश नहीं है, क्योंकि चाय भी बढ़ गई है, चाय भी आपने बढ़ा दी है, चाय पीने वाले कम हो गए हैं, इसलिए मोदी साहब चाय वाले भी आपसे अब खुश नहीं है। मेरे साथियों, समय का अभाव अधिक होते हुए तो मैं अपनी बात को, जैसा कि अब आप हम सब जानते हैं हमको इतने दिन यहां पर हो गया है, मैंने कुछ तर्क तथ्य इस बिल के जो शब्द हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बिल वापस कहने से शायद बिल वापस नहीं होने वाला, हमको बताना पड़ेगा इसके पॉइंट टू पॉइंट वाई, मैंने इसके तथ्य तर्क उदाहरण तरीके से इस मोदी सरकार को, मैं गारंटी से कहता हूं अगर ये मेरे साथियों समूचे भारत का किसानों का आंदोलन है तो 5% अगर मेरे को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मिल जाए तो मैं ये गारंटी से कहता हूं आपसे कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती चालू उसी दिन से हो जाएगी। मेरे साथियों, मैंने इस बिल के तथ्य जो तर्क होते हैं बड़ी खूबसूरती से, ये पूरा 10-15 पेजों का बढ़िया तत्वोदाहरण से हर पॉइंट बाय पॉइंट अपन कहां क्या कहना है हमको इसको गिरा लेंगे। इतनी घिर चुकी है ये मोदी सरकार, क्योंकि बिल वापस ये विपक्ष की भाषा है मेरे साथियों, अपन अपने तरीके से अपने स्वभाव से ये अपना फैसला 18 मई के लिए कोर्ट में भी चल रहा है, वहां भी अपन को तत्वोदाहरण तर्क की जरूरत है। अगर मेरे साथियों, मेरा ये देश का जो पत्रकार एक देश की शान होता है, देश का भगवान होता है, देश का किसान होता है, किसान देश का भूमंडल होता है, निर्माण होता है, अगर ये कोई एक पत्रकार एक साथी आज मैं इंटरनेशनल मंच से जहां तक मेरी आवाज जाती है, अगर कोई मुझे एक पत्रकार साथी मिल जाए, मैं तत्व और उदाहरण के साथ कहता हूं कि देश बिकने से बच जाएगा। आज ये देश का नीरव मोदी उड़ा ले गया बहुत पैसा, इसी प्रकार से अडानी साहब और मुकेश अंबानी साहब
देश के किसान को आप बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हो, खेत में किसान को दबाना चाहते हो, मजबूरी का शिकार बनाना चाहते हो, जो हमारी तौल और मूल की गारंटी होती है, मूल की, वो आप छीनना चाहते हो। छोटा किसान गुजरात ले जाएगा फसल, मोदी तुम्हारे गुजरात आएगा छोटा किसान, वहां हमको पता है क्या कि हम दुगनी रेट पर फसल बेचेंगे वहां? अरे किसान को आज की महंगाई के हिसाब से जिले में जिले की मंडी चाहिए, जिले की जिले में मंडी चाहिए मोदी साहब। जो 23 फसलें आती हैं, टमाटर प्याज आलू, और आपने जे भी इसमें इस बिल में किसी संशोधन सुधार बना करके जोड़ दिया गया है, तो 26 फसलें आती हैं, तो उन 26 फसलों की MSP की गारंटी मंडियों के सामने लिखी होना चाहिए। हमको किसान आयोग चाहिए दिल्ली देश की राजधानी में, क्योंकि समय समय पर हमारी महंगाई के हिसाब से हम अपनी कीमतें तय कर सकें। फास्ट कोर्ट चाहिए हमको मोदी साहब, जो सिविल कोर्ट आपने इसमें दायर किया है, फास्ट कोर्ट चाहिए मोदी साहब हमको। अरे मोदी, हम देश के किसानों को अगर दोगे, पैसा आएगा, हम चीजें आवश्यकताएं लेंगे, टीवी लेंगे, फ्रिज लेंगे, कूलर लेंगे, मंजर लेंगे, ब्रश लेंगे, ये देश का रोजगार चलेगा, देश की कंपनियों में ज्यादा चीजें जब आवश्यकता पड़ेगी तो बनेंगी, तो वहां रोजगार के लिए लड़के ज्यादा लगाए जाएंगे। और मोदी साहब, इसी प्रकार से रोजगार चलता है। आज मजदूर के पास मजदूरी के लिए पैसा कम दिया जा रहा है, किसान के पास पैसा कम जा रहा है, और नीति क्या कहती है? नैतिकता। अरे कभी हुआ करते थे, दीनदयाल पंडित जी उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रचा था, नैतिकता के आधार पर इस पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन आप लोगों ने, सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता थी जो विदेशों में चली जाती थी, अगर देश का बच्चा विदेश में तकलीफ में है तो विदेश तक लेकर लेने के लिए चली जाती थी, ऐसे ही ऐसे नेता थे। अरे मेरे किसान वीरों साथियों, नीति कहती है, न्याय कहता है कि हमको यहां बैठने से नहीं, हमको बातचीत का ऑप्शन खोला रहना देने चाहिए, और न्याय कहता है, नीति कहता है, नियम कहता है, धर्म कहता है कि दिल्ली देश की राजधानी में अगर हमारे लिए सांसद जो भवन है वहां हमारे लिए कृषि भवन बनाए किसानों के लिए, तो हमारी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं इस बिल में, वहां चर्चा होना चाहिए। हमको नहीं जाना है तोमर जी के यहाँ, हमको नहीं जाना है अमित शाह जी के यहाँ, विज्ञान भवन में वार्ता करते हैं। अरे कृषि भवन बनाए हम किसानों के लिए, तो कृषि भवन में हमारी वार्ताओं का, समस्याओं का समाधान होगा, यही नीति कहती है। और नीति कहती है जिसको ज्यादा आवश्यकता होती है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, और जिसको कम आवश्यकता होती है उसको कम मिलना चाहिए। और आज के नियतखोर नेताओं की वजह से हम कहते हैं न्याय करेंगे, कांग्रेस पार्टी वाले न्याय करने की बात करते हैं। अरे 70 सालों से आप लोग न्याय नहीं कर पाए, और आज न्याय करने की बात करते हैं, फिर से 5 साल इनको गवा दें। अरे 70 सालों से अगर आपने ये न्याय कर दिया होता, असेंबली में 13 वोट सरदार साहब को मिले थे, और न्याय ऐसा कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, ये इनका न्याय है। मेरे साथियों, किसान वीरों, इसका दूसरा भी हल है, दूसरा तरीका है, हर संकट समस्या का निकाला जा सकता है समाधान, अगर हो निकालने का ज्ञान, तो हर संकट समस्या का निकाला जा सकता है समाधान। मैं गारंटी से कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, खुले शब्दों में कहता हूं कि हमको अब चर्चा करने के लिए फिर से तरीका ढूंढना चाहिए, और चर्चा पे अपन ऐसा, मोदी सरकार फंस गई है, गिर गई है, झुक गई है, कि इसे मैं गारंटी से कहता हूं, झुका लेंगे, गिरा लेंगे ये बिल वापस, चर्चा के माध्यम से करा लेंगे। मेरे साथियों,
समय का अभाव ज़्यादा होते हुए तो मैं अपनी मैंने जो कहा कि मुझे मेरी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है कोई मुझे एक पत्रकार साथी मिल जाए तो हर संकट समस्या का मैंने कहा कि समाधान निकाल के दूंगा। ये देश बिकने से बचेगा, ये देश की उन्नति होगी, देश नीति पर आएगा। नीति कहती है निर्माण करो। ये भारत भगत सिंह का भारत है, ये हमारा भारत है, बच्चे बच्चे का भारत है। मेरे भारत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन नियत खोर नेताओं की वजह से किसान सदियों से परेशान है। कहा जाता है देश की शान है, लेकिन देश का किसान है सदियों से परेशान है इन नियतखोर नेताओं की वजह से। मोदी साहब, क्यों आपने मंत्री मिनिस्टर विधायक चीफ मिनिस्टरों की दुगनी वेतन बढ़ाई, जब इनको कौन सा खर्च कौन सी आवश्यकता आ गई थी? किसान का ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे किसान की एमएसपी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाला जाता है वैसे इनने काम किया है। और मंत्री मिनिस्टरों की सांसद और विधायकों की वेतन दुगनी कर दी है, दुगनी वेतन हो गई है, इनको कौन सी आवश्यकता पड़ गई भैया मोदी? तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, बोलिए जो बोले सो निहाल। धन्यवाद।